बताता हूँ लास्ट और फाइनल पांचवी टिप, तो ये काफी जरूरी है, तो आप सभी के लिए जरूरी है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अवर न्यू ब्लॉग। फिलहाल मैं अभी तो रेडी हुआ हूँ, तो अभी शूज पहन रहा था, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। तो आज के ब्लॉग में हम देखेंगे कि है ना गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें। इसको बहुत गुस्सा आता है, गलती रहती है। तुम हक गई, आजा फिर से आजा, तेरे को बताता हूँ मैं, ठीक है? तो चलते हुए बताएंगे, और आज पूरा दिन ऐसे पड़ा है, तो टेंशन ले रहे हो, आराम से बताएंगे। तो कुछ 5 से 6 टिप्स है अपने हिसाब से। तो जो लास्ट वाली टिप है वो सबसे मेन है, ऊपर की तो है ना वो तो है ही है, पर अगर लास्ट वाली टिप नहीं की तो आपको गुस्से पे कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है भाई। प्लीज ध्यान रखना, ये टिप्स फॉलो करना, और चलो चलते हैं अभी दुकान पे। करती रहती है हमेशा, आपको नहीं उसको कर रहा हूँ, कैमरा में दिख रही है ना पीछे, इसलिए। तो गाइस टिप नंबर 5, तो टिप नंबर 5 की यही बात है कि है ना आप है ना अगर कभी भी गुस्सा है तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत करना, और दूसरी बात की उस पर ना मतलब अगर आंखें बंद करके 10 से लगाकर 1 तक उल्टी गिनती बोलना, जिससे आपको क्या है कि थोड़ा बेटर फील होगा, तो ट्राई करना। फर्स्ट वाले के तो अलावा है ना ये 4 तो कुछ भी नहीं होंगे, तो 4 तो करो या ना करो, फर्स्ट वाला तो जरूर करना, ठीक है? क्योंकि वो बहुत जरूरी है भाई, गुस्सा का कंट्रोल करने के लिए वो बहुत जरूरी है, तो वीडियो एंड तक देखना। सेकंड टिप ये है कि है ना अपने ना मन फेवरेट मनपसंद गाने सुनो, तो जिससे क्या है आपको रिलैक्स फील होगा और थोड़ा बहुत अच्छा भी लगेगा। वैसे ना अगर कोई आपको गुस्सा दिला है या आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो कोई भी अगर आपसे कुछ बात करे तो उस समय चुप रहना और पतली गली से निकल लेना, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा बात अगले वाले ने कह दी तो और गुस्सा बढ़ेगा, तो इसलिए चुपचाप रहना, ठीक है? और पतली गली पकड़ो तो वो भी बढ़िया ही है, क्योंकि बाद में ना कन्वर्सेशन नहीं होगी तो क्या पता गुस्सा भी नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। ये थी हमारी टिप नंबर 3। वैसे यहाँ पे लगे हैं झूले, देख लो, तो कल के वीडियो में बताया था ना वही वाले झूले हैं, अभी तक तो 2 ही लगे हैं। बस 4 टिप है हमारे है ना मतलब नींद लेने की, क्योंकि यार कई बार है ना नींद की वजह से भी है ना गुस्सा आ सकता है। कम से कम 7-8 घंटे की नींद पूरी पक्की लेना यार, ये नींद भी बहुत जरूरी है, तो ये भी एक हमारे यही के है मूर्ति है ना। तो दीपू भी आ चुका है, तो हम सभी रेडी हैं, तो बढ़िया से टी टाइम कॉफी टाइम। तो गाइस मैं आ चुका हूँ दुकान पे, तो इस जगह में बैठा हूँ भाई, टमाटर है अबे, तो है ना अब बताता हूँ लास्ट और फाइनल 5वीं टिप, तो ये काफी जरूरी है, तो आप सभी के लिए जरूरी है। ये चीज करने पर ये ना आपका ना चांस है कि है ना आपका 50% तो कंफर्म बोल सकता हूँ कि है ना आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। तो आप डेली है ना मेडिटेशन क्या करो, जैसे कि मैं करता हूँ, तो सप्तावर हो चुका है, तो मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ, तो 5 से 10 मिनट की क्या करो तो भी हो जाएगा आपका, ठीक है? सो ध्यान रखना, तो यही है कुछ 5 टिप्स। तो कैसी लगी आपको वीडियो, पसंद है तो लाइक करना, ठीक है? और प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर देना। गाइस खाना खा लिया है, तो ये भाई साहब दोनों है ना बड़े सो के टीवी देख रहे थे, सॉरी मोबाइल देख रहे थे, मौसा जी देख रहे हैं टीवी, और खिड़की भी खोल दी है, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, 3 दिन बाद बारिश हुई है, ठंड लग रही है, और खिड़की के पास नहीं बैठे थे, तो इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बस छोटे।